हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। मैं सभी का अपने श्री ब्रिज एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बीएससी के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पेपर है। तो उसमें पहली यूनिट हमारी वैक्टर है, तो वैक्टर के मैं आपको बेसिक कंसेप्ट और आपका सिलेबस ही कराऊँगा। और ये 11th में भी काम आती है और आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी काम आती है। तो वेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहली बात आती है स्केलर एंड वेक्टर, कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्केलर की, स्केलर क्वांटिटी अगर मैं स्केलर की क्वांटिटी की मैं बात करता हूँ, तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या कहेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, स्केलर क्वांटिटीज के अंदर जो हमारे पास में एग्जाम्पल होते हैं, वो होते हैं जैसे हमारे पास में डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो जाएगी, टाइम हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, ETC। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने केवल तीन ही एग्जाम्पल लिए हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ये हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। उसके बाद में आ जाती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारे पास में, और फोर्स ETC। ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास में किसके हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी के हमारे पास में क्या है? एग्जाम्पल है। तो मैंने अभी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के बारे में बताया कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि हमारे पास में किस तरीके के वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाता हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब जो मेरा टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दोनों ही एक नाम है। तो स्केलर प्रोडक्ट को मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो ये कहता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the dot product of two vectors to a dot b is defined as the magnitude of two vectors and
कुशाइन ऑफ द एंगल बिटवीन बेल। अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे पास में दो वेक्टर हैं, ये बी वेक्टर है और ये मेरे पास में ए वेक्टर है। अगर मैं इनके नाम बात करूं, ओ ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और इनके बीच में लगने वाला एंगल क्या चीज है, थीटा। इस तरीके से हमारे पास में दो वेक्टर हो गए ए और बी। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसके जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड की अगर मैं बात करता हूँ मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का, कि ये हमारे पास में एक तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास में बन करके आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ लेट ए वेक्टर हमारे पास में है ए एक्स आई, ऐसे ही ए वाई जेड, और ये है हमारे पास में ए जेड के। सिमिलरली अगर मैं बी वेक्टर की मैं बात करता हूँ बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। अगर मैंने इनके मैग्नीट्यूड की बात की है तो अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो ये कोएफिशिएंट मतलब ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बी की मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में बी क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर एंड बी जेड स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पर रखता हूँ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ए डॉट बी। अगर मैं ए डॉट बी का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो ए डॉट बी हमारे पास में आ जाएगा ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के। ये हमारे पास में एक वेक्टर हो गया और दूसरा मैं इसके नीचे लिख देता हूँ बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, ये मेरे पास में इस तरीके से हो गया। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जो आई डॉट आई जो हम करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होगी जिसको मैं आपके सामने यहाँ ग्रीन पेन से लिखूंगा ग्रीन मार्कर से। तो वो ये क्या रहेगा, ये आप मेमोरी के अंदर याद रखना कि i डॉट i इज वन, j डॉट j इज इक्वल टू वन और k डॉट k इज इक्वल टू वन। बाकी अगर इस तरीके से रहता है i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i, इस तरीके से ऑल पैरामीटर क्या हो जाएंगे हमारे पास में जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे और पैरामीटर हमारे जीरो हो जाएंगे। तो ये बनता है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड और बी जेड, ये हमारे पास में ये आ गए दोनों। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आता है ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो इसका मतलब इसको आपने क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू डाल दी है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड अपॉन में आपने इसके मैग्नीट्यूड के अंदर लिख दिया ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर जेड इंटू में डॉट के साथ में क्या लिख दिया बी एक्स बी स्क्वायर वाई और बी स्क्वायर जेड। तो ये एक हमारे पास में नया फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरीके से ये मेरे पास में पूरा क्या हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूनिट और आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो इसी तरीके से ये चलेंगे। ओके, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज।
मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट की कई सारी प्रॉपर्टी है, मैं उनको वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन कराता हूँ. तो सबसे पहली है इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ. तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वो आप राइट डाउन कर लीजिए, इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ. इट मीन्स ये कहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमारे पास में बराबर रहती है बी डॉट ए. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ. सेकेंड है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दूसरी प्रॉपर्टी है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये हमारे पास में क्या कहता है? ये कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी, अगर इस तरीके से हमारे पास में तीन वेक्टर हैं तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होंगे? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ये हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है वो क्या चीज है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हमारे पास में प्रॉपर्टीज है. और तीसरी जो प्रॉपर्टीज है वो ये कहती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर. तो अगर उसने कहा था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल, अगर उन दोनों डॉट प्रोडक्ट हमारे पास में क्या चीज है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम है हमारे पास में, सेम वेक्टर की मैं बात कर देता हूं. अगर वो ये कहता है कि ए डॉट ए, तो क्या आएगा? इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर के बराबर आएगा. तो ये कह दिया ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए हमारे पास में. सिमिलरली अगर ऐसे ही आपके पास में कोई दूसरा वेक्टर है, सिमिलरली जैसे आपने कह दिया बी डॉट बी हमारे पास में आ जाएगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास में बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा, मतलब बी स्क्वायर के. इस तरीके से इसने हमारे पास में दो तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. इस तरीके से हमारे पास में, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इक्वल टू वन. ये हमेशा किसके बराबर रहेगा? वन के बराबर रहेगा. जैसे I डॉट I इज इक्वल टू वन, J डॉट J इज इक्वल टू वन और K डॉट K इज इक्वल टू वन. दिस इज द यूनिट वेक्टर I डॉट I कैप एंड J डॉट J कैप और K कैप डॉट K कैप इज इक्वल टू वन. ये हमेशा हमारे किसके बराबर रहेगा? ये वन के बराबर रहेंगे. तो ये है कि अगर वो दो यूनिट वेक्टर सेम नहीं है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू जीरो आता है. तो किस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K और K डॉट I, इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो इनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो आता है. ठीक है, मैं बात करता हूँ I कैप इज अ यूनिट वेक्टर. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. मैं यहाँ पे आपको एक यूनिट वेक्टर भी बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है. यूनिट वेक्टर अगर मैं यूनिट वेक्टर की मैं बात करता हूं, ये कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये हमारे पास में हो जाता है ए इज अ
यूनिट वेक्टर, तो ये कह दिया ए इज यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर, अगर मैं बात करता हूँ ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा क्या रहेगा, ये हमारे पास में क्या रहता है, यूनिट वेक्टर रहता है, क्या रहता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन इट्स देन वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो आप देखिए ये हम बार बार यूज करेंगे, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर्स ए जीरो जीरो then both vectors it means a and b are perpendicular to each other। ये क्या कहता है, ये कहता है कि a dot b हमारे पास में जीरो है तो देन ए वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा किस पे, बी वेक्टर पे, ये दिखाना है हमें। तो आपको पता ही है, आप फॉर्मूला लगाइए ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या रहेगा, कॉस थीटा। तो आपको पता है ए डॉट बी क्या चीज है हमारे पास में, जीरो है, गिवन कह दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दिस इज द कॉस थीटा, ये सारा किस में गया, ये जीरो में गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, और cos थीटा इज इक्वल टू cos जीरो कब रहती है, जब 90 रहता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास में हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप देखना चाहते हो x y, और ये हमारे पास में ओरिजिन है, ये a वेक्टर है और ये हमारे पास में b वेक्टर है, इन दोनों के बीच में लगने वाला एंगल 90 है। तो a एंड b, या तो a परपेंडिकुलर b पे है, b परपेंडिकुलर टू a पे है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ऐसे ही अगर हम मैं एक और एग्जांपल की अगर मैं बात लेता हूँ, मैं यहाँ आपको एग्जांपल करा देता हूँ। ये कहता है कि इफ, यदि हमारे पास में इस तरीके से है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, then so that a is perpendicular to b, this is the very important properties। इसी properties के base पे चलो मैं इसको prove करते हैं, हम इस properties को prove, तो prove जब करते हैं, हमने ये ले लिया कि mod a plus b is equal to mod a minus b, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो a प्लस बी, अगर मैं ये लेता हूं स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, ये इसका स्क्वायर लेता हूं। जब मैं इसको खोलता हूं तो आपको पता ही है ये हमारे कैसे खुटेगा, ये इस तरीके से खुलता है, a वेक्टर का स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस टू हमारे पास में वेक्टर a डॉट b, ऐसे ही a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस टू a डॉट b, ये हमारे पास का इसका हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा हमारे पास में 2a डॉट b इज इक्वल टू माइनस 2a डॉट b। आप इसको इधर साइड में ले आइए तो ये हो जाएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, और अगर मैं बात करता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, जब मेरे पास में इस तरीके से ये कंडीशन आ जाती है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं सीधा सीधा कह सकता हूं अभी इस प्रॉपर्टी के, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, दिस इज द कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो हमारे पास में ये कंडीशन हो गया, तो लिख दीजिए hence वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने
बड़ा अच्छा ही ये प्रॉपर पढ़ लिया। तो आप आज आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो चुका है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज। आशा करता हूँ आप सभी को इस तरीके स्केलर प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में कोई भी मतलब कठिनाई नहीं होगी। अगर होती है तो आप फिर दोबारा बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास में अभी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्केलर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट था और वो था वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो किसकी रहेगी, वेक्टर प्रोडक्ट की रहेगी। ओके थैंक यू, बाय बाय।